कुश्ती के मैदान में बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाने वाला ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार फिलहाल इस वक्त अपनी करनी का फल भोग रहा है और सलाखों के पीछे यही सोच रहा होगा आखिर उसने माफिया बनने का रास्ता क्यों चुना। हिंदुस्तान को कई बार गौरवान्वित करने वाला सुशील सागर हत्याकांड से कुख्यात अपराधी बन चुका है। पहलवानी से माफियागिरी की राह पर चलने वाला सुशील कुमार एक वक्त ऐसा था जब वो अपने शर्मीलेपन के लिए जाना जाता था, लेकिन आज उसी सुशील कुमार की पहचान एक कुख्यात अपराधी के तौर पर हो रही है और दिल्ली पुलिस उस पर मकोका लगाने की तैयारी में है। लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि 14 साल की उम्र में ही सुशील ने कुश्ती को अपना हमसफर समझा और कड़ी मेहनत करके वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना देश का हर पहलवान देखता है। सुशील कुमार जैसे पहलवान बनने में कड़ी मेहनत और सालों का वक्त लग जाता है, साथ ही एक अच्छे गुरु के सानिध्य की भी जरूरत होती है। लेजेंडरी पद्म भूषण कुश्ती कोच और पूर्व मेडलिस्ट सतपाल सिंह सुशील के गुरु रहे। सुशील कुमार के गुरु या यूं कहें कि उनके ससुर सतपाल सिंह को महाबली सतपाल के नाम से भी जाना जाता है। 65 साल के सतपाल सिंह कई बड़े अवार्ड से नवाजे गए। द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सरीके के सम्मान इसमें शामिल है। महाबली सतपाल 1974, 1978 और 1982 में राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार रजत विजेता रहे। उनके नाम 16 सालों तक राष्ट्रीय चैंपियन रहने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। एक ही दिन में 21 कुश्ती जीतने का रिकॉर्ड भी महाबली सतपाल के नाम पर ही दर्ज है। महाबली सतपाल ने ही सुशील को रेसलिंग के दाव पेच सिखाए और एक दिन अपने गुरु की ही बेटी से सुशील पहलवान ने शादी रचा ली। आपको जानकर हैरानी होगी, सुशील सतपाल की बेटी सावी के बारे में जानते थे, उनकी तस्वीरें भी कई बार देखी, लेकिन सावी को शादी तय होने से पहले देखा नहीं। दिलचस्प बात तो यह है कि सुशील ने पहली बार अपने गुरु की बेटी सावी को सगाई के दिन ही देखा। नवंबर में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद दिल्ली में दोनों की सगाई हुई। इसके बाद साल 2011 में फरवरी में दोनों की शादी हो गई। 2014 में पत्नी सावी ने दो जुड़वा बेटों को जन्म दिया जिनका नाम सुवर्ण और सुवीर है। ऐसा कहा जाता है कि सुशील कुमार स्वभाव से पहले इतना शर्मीला था कि सगाई शादी से पहले वो सभी को आई लव यू तक नहीं बोल पाया था। सुशील कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि जब सगाई के दौरान उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी सभी को पहली बार देखा था तो समझ गए कि दोनों में खूब जमेगी। सुशील ने आगे कहा था कि भले ही हम शादी से पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन हम दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। मेरे कुछ कहने से पहले ही सभी भांप लेती है कि मैं कब क्या कहना चाहता हूं। हालांकि अपनी लव स्टोरी को लेकर उन्होंने कहा था कि शादी से पहले किसी से मिलने या उसके साथ प्यार करने से ही लव स्टोरी नहीं होती। लव स्टोरी वो होती है जिसमें प्यार के सिवा कुछ ना हो। भले ही सुशील कुमार पहले से शर्मीले रहे हों, लेकिन आज की तारीख में सुशील का नाम एक कुख्यात अपराधी के तौर पर लिया जा रहा है जिसका संबंध उन गैंगस्टरों से है जो हिंदुस्तान से फरारी काट रहे हैं। अब सुशील का क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि माफिया गिरी के चक्कर में सुशील ने अपना करियर तबाह कर लिया। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।